कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री 30 डिग्री 45 60 75 90 105 120 135 150 165 एंड 180 डिग्री यूजिंग कंपास एंड रूलर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे ए ओ बी। ओ क्या है, सेंटर है। अब यहाँ सेंटर से रख के एक क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट आर्क जो हुआ, ये जो कट हुआ वो 60 डिग्री का हुआ। फिर यहाँ पे रख के कट करेंगे, ये कितना हो गया 120। और ये जो कट आया ये क्या हो गया 180। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री, ये क्या बना 60 डिग्री, ये 120 और ये 180। तो हमारा ये हो गया 60 डिग्री 120 और ये 180। अब इसके बाद 0 डिग्री और 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे। ये क्या हो गया 30 डिग्री। उसी तरीके से 60 एंड 120 को बाइसेक्ट करेंगे। ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब 120 और 180 को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। कौन कौन सा बन गया, 30 भी हो गया, 90 हो गया और 150। अब 0 और 30 को बाइसेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। उसी तरीके से 60 एंड 30 को, ये आ जाएगा क्या 45। इसी तरीके से 60 और 90 को बाइसेक्ट कर देंगे। ये हो गया 75, 90 एंड 120 को। एंड लास्ट 150 और 180 को बाइसेक्ट करेंगे तो आ जाएगा 165 डिग्री। तो ये क्या हो गया सभी 15, 45, 75, 105, 135, 165। तो इसी तरीके से हम लोग कंपास और रूलर का यूज करके सभी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं।